हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि मेल मर्ज में जो लेबल्स होता है, लेबल्स या स्टिकर्स जो होते हैं कैसे प्रिंट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और मल्टीपल स्टिकर्स को हम एक ही पेज में कैसे बनाएंगे और उसको कैसे प्रिंट करेंगे, आज हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हैं हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां से विनवर्ड का कमांड देके इसको मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया, मैं मेलिंग पे गया हूं। मेलिंग के बाद लेबल्स पे जाएंगे और मैं यहां पर मैं एज्यूम करता हूं कि मुझे कुछ लोगों को लेटर्स भेजना है, और उनके पीछे सबके मैं अपने एड्रेस पोस्ट चिपकाना चाहता हूँ, और चिपकाने के लिए मुझे बार बार लिखना होगा या मेरे आदमी को बार बार अलग अलग एनवलप पर एड्रेस लिखने होंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं क्या करूंगा, लेबल प्रिंट कर दूंगा और लेबल प्रिंट करके उसको प्रिंटिंग शीट पर, लेबल शीट पर प्रिंट करके और उसको कट करके सीधा एनवलप पे पेस्ट करके उसको हम क्या कर देंगे, जिसको भी भेजना होगा उसको हम भेज देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एड्रेस लिख देता हूँ। पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगा g.s कंप्यूटर TRAINING कंप्यूटर ट्रेनिंग INSTITUTE GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नसीरपुर सांगीपुर प्रतापगढ़ उत्तर PRADESS उत्तर प्रदेश 230125। मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया अपना और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जाऊँगा। ऑप्शंस में 30 एड्रेस पर पेज चाहिए मुझे, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। और फिर उसके बाद मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश इसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैं लेबल्स पे दोबारा से जाता हूँ, COMPUTER कंप्यूटर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया मैंने। आप देखेंगे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा लेबल था वो क्या हो गया है, रेडी हो गया है। अब मैं कंट्रोल पी से प्रिंट का ऑप्शन दे दूंगा इसको और यहाँ पर जो भी मेरा प्रिंटर होगा उस प्रिंटर को मैं यहाँ से चूज करके और इसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा और हमारी शीट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास जैसे मान लीजिए 1000 कस्टमर्स हैं तो 1000 कस्टमर्स का जो आपको लेबल प्रिंट करना है वो कैसे प्रिंट करेंगे और कैसे उसको प्रिंट करेंगे, कैसे उसकी सेटिंग करेंगे, अगले चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।